तो गाइज, क्या आप कभी आपके फ्रेंड्स माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का आपको नो प्लेयर बोलते हैं? क्या आप ही माइनक्राफ्ट में अपने फ्रेंड्स से पीवीपी बैटल में हार जाते हो? आप भी जंप ब्रिजिंग मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाते हो जैसे कि वो सब करते हैं? सो गाइज, तो आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का एक प्रो प्लेयर बनाने वाला हूँ। जी हाँ, इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे पीवीपी सिखाऊंगा एंड यहाँ पे क्लॉ भी सिखाऊंगा, फास्ट ब्रिजिंग मूवमेंट कैसे करते हैं, जिगल पिक कैसे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि आप लोगों भी एक अच्छा खासा पीवीपी प्लेयर आप लोग बन सकते हो। इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एक ही वीडियो में आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कर देना। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन प्लेयर्स वालों के लिए बताऊंगा जो कि अपने एंड्रॉइड फोन में खेलते हैं और काफी दिक्कतों से उनको खेलना पड़ता है क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट कीबोर्ड माउस कनेक्ट के आ जाता है और आप हार जाते हो। लेकिन इस वीडियो के बाद आप भी आराम से उनको हरा सकते हो। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि मैंने खुद पर्सनली यूज किए हैं और ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे को भी काफी इजीली गए और काफी अच्छे से मैं ओपोनेंट को हरा सकता था। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो काफी अच्छे से मैं पीवीपी सीख गया हूँ। मतलब दो तीन दिन मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने काफ़ी अच्छे से मैं भी सीख गया हूँ। तो यार, मैं इतना नो प्लेयर सीख सकता हूँ तो यार आप भी सीख सकते हो। बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बता दूँ, फुल हैंड कैम के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कर देना। लेकिन यार, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर देना। तो चलो बताता हूँ कि कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी होगी, तो आप लोग सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जाना है टच पे। टच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल मोड पे जाना है एंड यहाँ पे ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना। ये कर लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। इसके बाद सेंसिविटी देखो, ये काफ़ी मेन है, इसको आप लोग 37-38 रखना। तो मैं यहाँ 37 रखता हूँ। नीचे जाना, यहाँ पे ऑटो स्प्लिट ये ऑन कर लेना यहाँ से, ये काफ़ी हेल्प करता है। ये ऑन करने के बाद नीचे आना, बटन साइज यहाँ से इसको फुल्ली मैक्सिमम कर देना। बड़े बड़े बटन होते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को काफ़ी हेल्प होते हैं। तो ये सब मैं ऑफ कर देता हूँ वाइब्रेशन का। एंड नीचे आना, वीडियो में आना। वीडियो में आने के बाद आप लोगों के यहाँ और नीचे जाना, यहाँ पे मेन FOB, इसको आप लोग 60-70 के बीच में रखना। तो यहाँ पे मैं इसको 69 रख लेता। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाना, यहाँ पे आउटलाइन इसको भी ऑन कर लेना। इसके बाद और आप लोग रेंडर क्लाउड्स यहाँ से ऑफ कर सकते हो अगर आपके में लैग करता है तो ये रेंडर क्लाउड्स ऑफ भी कर सकते हो। UI प्रोफाइल क्लासिक कर लेना एंड ये देखो GUI स्केल आप लोगों को माइनस में ले जाना, -1, जो कि आपको काफ़ी अच्छा फ्री लुक देगा। तो बस ये कर लेना। इसके बाद आप लोग सिंपली एक फ्लैट वर्ल्ड क्रिएट करो प्रैक्टिस के लिए। तो गई, तो यहाँ मैं फ्लैट वर्ल्ड में आ चुका हूँ। हैंड कैम ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ, फ्लैट वर्ल्ड में आ जाओगे ना तो आप लोगों को ये आर्मर्स वगैरह ये सब आइटम रख लेना। यहाँ पर मैंने जॉम्बी पिगलिन वगैरह का यहाँ पर स्पॉन एग वगैरह रख लिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लो, आपको पहले आर्मर्स वगैरह पहन लेने हैं। तो मैं यहाँ से फटाफट से आर्मर्स पहन लेता हूँ आपको। मैं पहले मैं PVP क्लॉ PVP सिखाऊंगा कि कैसे PVP करते हैं। PVP करने के लिए ऑब्वियसली 3 फिंगर तो यूज करना ही होगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पिगलिंग्स वगैरह होते हैं इनको स्पॉन कर देना। ये काफ़ी हेल्प करते हैं आप लोगों को PVP इम्प्रूव करने में। तो पहले मैं इनको स्पॉन कर देता। ध्यान रखना आप लोग सर्वाइवल में करना, क्रिएटिव में करेगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे यहाँ पे हैंड गेम की तरफ नज़र रखो, यहाँ पे मैं 4 फिंगर यूज कर रहा, 4 फिंगर। फर्स्ट यहाँ पे थंब मैं यूज कर रहा मूवमेंट के लिए, जॉयस्टिक मूवमेंट के लिए। सेकंड फिंगर यूज कर रहा कैमरा एंगल चेंज करने के लिए एंड दूसरा थंब यहाँ यूज कर रहा इसको स्वाइप इधर उधर करने के लिए एंड तीसरा आप फोर्थ फिंगर यूज कर रहा स्वॉर्ड के लिए, ठीक है। एक बार और देख लो, यहाँ पे ये मूवमेंट के लिए, ये कैमरा एंगल चेंज करने के लिए, एक और मैं यहाँ पर थंब मतलब स्वाइप इधर से उधर करने के लिए एंड फोर्थ फिंगर यहाँ पर स्वॉर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्वियसली 3 ही फिंगर यूज करना। तो देखो कैसे करना, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको एक हिट करता। हिट करने के बाद ध्यान रखना आपको जब भी PVP करो तो आपको मूव करते रहना है, मूव करो और ये हिट करो। दो थंब यूज कर रहा मूवमेंट के लिए और एक फिंगर यूज कर रहा स्वॉर्ड के लगातार उस पर दाबने के लिए, मतलब लगातार टैप कर रहा। ये देखो ऐसे ही टैप करते रहने होंगे आप लोगों को। ऑब्वियसली यहाँ पर 3 फिंगर अभी यूज हो रहे हैं, 4 फिंगर में अभी यूज कर रहा हूँ, एक तो कैमरा एंगल के लिए छोड़ सकते हो आप लोग, ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो भी करना होगा, 2 थंब और 1 फिंगर, 2 थंब के लिए आप लोग यहाँ पर सिंपली मूवमेंट करने के लिए और 1 फिंगर आप लोगों को स्वॉर्ड के लिए रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना लगा रखा स्वॉर्ड पे, आप लोगों को बार बार यहाँ पे टैप करते रहना होगा, ये देखो, और मूवमेंट करते रहना होगा। जब भी आप PVP करते हो तो आपको मूवमेंट करते रहना होगा। आप इसमें जंप भी ऐड कर सकते हो, जंप भी कर सकते हो। जंप करके जितना हिट करोगे तो जंप से ज़्यादा डैमेज होता है। तो यहाँ देखो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजीली आप लोग सामने वाले ओपोनेंट को PVP में हरा सकते हो। एंड ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर जॉयस्टिक राइट लेफ्ट अप डाउन करते रहना होगा, आप लोग मूव करते रहना होगा। अगर आप लोग एक जगह अगर रुक गए तो सामने वाला ओपोनेंट आपको काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे देगा। तो मेरे जॉयस्टिक पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं जॉयस्टिक मूव करते रह रहा, जॉयस्टिक को स्टॉप नहीं कर रहा।
तो ये हो हमारा पीवीपी क्लॉक। तो अब चलो मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता, वो है जंप ब्रिजिंग और बैक ब्रिजिंग, ठीक है ना। जंप ब्रिजिंग फास्ट ब्रिजिंग तो मैंने पहले ही बताया था, उसको एक बार और मैं रिवाइंड कर देता कैसे करना है, एंड इसके साथ साथ एक और ब्रिजिंग स्टाइल होती है वो भी बताता। तो देखो सिंपल ब्रिजिंग, फास्ट ब्रिजिंग, जंप ब्रिजिंग करने के लिए तो ये ऐसे प्लेस करो, यहाँ पे ये होल्ड करो एंड सिंपली यहाँ पे रन करो, बस आपका ये फास्ट ब्रिजिंग हो गया। जंप भी यहाँ से कर सकते हो, इसे वो कहते हैं जंप ब्रिजिंग एंड फास्ट ब्रिजिंग, जो कि आप लोग इजी कर सकते हो। और एक और है जो कि बैक ब्रिजिंग होती है, जो कि काफ़ी कम बंदे कर पाते हैं, एंड इसको कहते हैं हम लोग टैली ब्रिजिंग भी कह सकते हैं। तो देखो इसको करने के लिए सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ऐसे बैक हो जाना है एंड यहाँ पे दो तीन ब्लॉक गैप छोड़ के यहाँ पे जंप करके प्लेस रखना है एंड सिंपली मिड में आना, होल्ड करना एंड यहाँ जॉयस्टिक को बैक करना, ये देख लो। इसको कहते हैं बैक ब्रिजिंग, जो कि आप लोगों को कोई भी नॉक बैक देता है तो इसमें आप लोग काम कर सकते हो, और ये काफ़ी अफेक्टिव होता है, काफ़ी हेल्प करता है। इसको भी मैंने काफ़ी बार यूज किया पीवीपी बैटल में, बेड वॉर्स में, एंड काफ़ी हेल्प करता है, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। तो गाइस तो यही सारी छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि माइनक्राफ्ट के प्रो प्लेयर्स यूज करते हैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए, अपना पीवीपी इम्प्रूव करने के लिए। तो आप लोग भी इसको यूज करो और आराम से पीवीपी गॉड बन जाओ यार। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।